हेलो फ्रेंड्स, आज मैं भारतीय रेलवे के अंतर्गत होने वाले डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन LDCE यानी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, जो हमारा चेन्नई डिवीज़न के अंतर्गत 8 सितंबर 2021 को कंडक्ट कराए गए थे, जिसमें टोटल प्रश्न नंबर की संख्या बात करें तो टोटल 100 थे और टाइम ड्यूरेशन हमारा 120 मिनट के थे। ये नीचे सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें मल्टीपल 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें किसी एक का आपको चुनना था सही ऑप्शंस को। नेक्स्ट इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि काले या नीले पेन का ही प्रयोग करना है, और उसके अलावा इसमें 10 डिजिट का रोल नंबर जो आपका एडमिट कार्ड पर होगा वो अंकित करना था। इसके अलावा आपको कैपिटल लेटर में नाम लिखना था, डेट ऑफ एग्जामिनेशन और नेम ऑफ सेंटर आपको, और साथ ही साथ आपका सिग्नेचर एंसर शीट पर डालना था। उसके अलावा बात करें तो इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग की प्रावधान किए गए थे। इसमें बताया गया था किसी प्रकार की ओवर राइटिंग कटिंग आपको अमान्य कर सकती है, और एग्जामिनेशन छोड़ने से पहले आपको एंसर कॉपी को परीक्षा को देना पड़ता, और इसमें आप प्रश्न पत्र को घर ले जा सकते थे। नेक्स्ट बात करें कि किसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहला पूछा गया था LHB का फुल फॉर्म, जिसमें इसका फुल फॉर्म हमारा लिंक हॉफमैन बुश होते हैं। नेक्स्ट बात करें कि WLRRM का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है गार्डमैन, जिसका इसको कोड डिकोड के भाषा में जानते हैं। नेक्स्ट बात करें BPC का फुल फॉर्म, तो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होते हैं। BLC में सेट में कितने वैगन होते हैं, टोटल 5 होते हैं, जिसमें दोनों के एंड पर हमारा ए कार और बी बीच में हमारा बी कार होते हैं। नेक्स्ट बात करें DB का मैकेनिकल अर्थ का, तो इसका फुल पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बाल्ब होते हैं। नेक्स्ट बात करें कि फ्लैट टायर की क्या प्रभाव होती हैं, तो इसका नन ऑफ दी इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करें कि ब्रेक बाइंडिंग के क्या प्रभाव होते हैं, इसका सही उत्तर फ्लैट टायर हमारा हो जाएगा। BCA CBM किस प्रकार की मालगाड़ी है, इसका सही उत्तर हमारा कार लोडेड करने वाली वैगन यानी कार कैरियर वैगन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि BBZI किस प्रकार का वाहन है, तो इसका सही उत्तर हमारा 8-व्हीलर ब्रेक वान विथ ICF ट्रॉली होगा। वहीं अगर BBZC होता तो हमारा ये 4-व्हीलर वान होता। वहीं BBCM की बात करें तो इसमें हमारा भी 8 चक्के का हमारा वैगन होते हैं, लेकिन इसमें हमारा कैसनप ट्रॉली लगे होते हैं। नेक्स्ट बात करें हम कि BTPN के फॉर्मेशन में कितने वैगन होते हैं, इसका सही उत्तर हमारा 50+2 ब्रेक बान होगा, यानी एक पावर के जस्ट पहला और उसके बीच में हमारा, जैसे देख ले ये हमारा इंजन हो गया, ये हमारा ब्रेक बान, और फिर हमारा 50 BTPN होते हैं और सबसे लास्ट में हमारा एक ब्रेक बान लगे होते हैं। इस तरह हमारा 50+2 ब्रेक बान हो जाएंगे। ब्रेक पाइप किस रंग का होता है, इसका सही उत्तर हमारा हरा। वहीं अगर बात करें फिट पाइप की, तो ये हमारा सफ़ेद कलर के होते हैं। अगर फिट पाइप की बात करें तो वो 6 kg के होते हैं, वही ब्रेक पाइप का प्रेशर हमारा 5 kg का होता है। CBC का अर्थ क्या होता है, तो CBC का अर्थ हमारा सेंटर बफर कपलिंग होता है, जो एक कोच को दूसरे कोच या एक वैगन को दूसरे वैगन से अटैच करने के लिए लगाए जाते हैं। प्रीमियम BPC किसके लिए वैध है, इसका सही उत्तर हमारा 12+3 और 95% BPC के साथ शुरुआती पॉइंट से, और बीच के रास्तों में ये हमारा 75% मिनिमम होनी चाहिए प्रीमियम BPC के केस में। नेक्स्ट बात करें कि CC रैक BPC डैश के लिए वैध है, इसका सही उत्तर हमारा 6000 किलोमीटर या 30 डेज या 7500 किलोमीटर 35 दिन के लिए होते हैं। नेक्स्ट बात करें कि ट्रेन 18 किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये हमारा ICF इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करें कौन भारतीय रेल का आईटी अंग है, इसका सही उत्तर हमारा क्रिस हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रेलवे फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके अंतर्गत भारतीय रेलवे में अभी वर्तमान में बहुत सारे ऐप रन किए जा रहे हैं, जिसमें अगर बात करें पहला तो FMM यानी फ्रेट मेंटेनेंस मैनेजमेंट, उसके अलावा बात करें तो CMM यानी कोचिंग मेंटेनेंस मैनेजमेंट, और एक आप प्रत्येक कर्मचारी के लिए रेस होता है जो यानी रेलवे एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस, ये सारे ऐप क्रिस के द्वारा ही रन किए जाते हैं। अगर बात करें कि BTPN वैगन है, एक प्रकार का टैंक वैगन है। डीलमेंट किस श्रेणी के एक्सीडेंट के अंदर आती है, इसका सही उत्तर हमारा डी क्लास एक्सीडेंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करें एयर ब्रेक प्रणाली में होने वाली माइनर लीकेज को किस प्रकार से ठीक किया जाता है, तो इसके हम टेफ्लॉन टेप के द्वारा इसको सही करते हैं। यदि चलती मालगाड़ी का जोड़ टूट जाता है तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसको हम ट्रेन पार्टिंग के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट बात करिए मालगाड़ी में प्रिस्मूल प्लेट व्हील क्या है, तो इसका सही उत्तर हमारा 60 mm हो जाएंगे। वही ICF और LHB की बात करिए तो मैक्सिमम हमारा 50 mm तक परमिसिबल होते हैं कोचिंग के केस में। वहीं बात करें ROH का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका सही फुल फॉर्म हमारा रूटीन ओवरहॉलिंग होते हैं। वहीं अगर बात करें POH का तो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग होते हैं। IOH का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग। CR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंट्रोल रिजर्वायर, इसका सही उत्तर हो जाएंगे। डीकोड WGSCZ का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका सही उत्तर हमारा वेस्टिबुल सेल्फ जनरेशन कार सेकेंड कार क्लास चेयर कार, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें बॉक्सन HS को डिकोड करना है, तो इसका सही उत्तर हमारा बोगी ओपन बैगन हाई स्पीड साइडेड एयर ब्रेक हाई स्पीड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें PEAST का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर वही बात करें PEAB का, तो इसका फुल फॉर्म हमारा पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब होते हैं। और इसकी डाया की बात करें जो ICF के लिए हमारा 8 mm का होता है, वहीं अगर LHB के लिए बात करें तो ये हमारा 19 mm का डाया होता है PEB का यानी पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म बल्ब का। वहीं ब्रांच वाल्व की बात करें तो 10 mm का होता है जो ICF कोच में PEB से कनेक्ट होते हैं। LHB कोच में SS को क्या कहा जाता है, तो यह हमारा सॉफ्ट शेड्यूल कहा जाता है, जिसमें हमारा 3 तरह के होते हैं SS1, SS2 और SS3। अगर बात करें SS1 का, तो ये हमारा 18 महीने या 6 लाख किलोमीटर पर किए जाते हैं। वहीं SS2 की बात करें तो 36 महीने या 12 लाख किलोमीटर, और SS3 की बात करें तो 72 महीना या 24 लाख किलोमीटर पर किया जाता है। नेक्स्ट बात करें कि प्रीमियम रेक की वैधता कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हमारा 12 डेज मल्टीपल लोडिंग प्लस 3 डेज ग्रेस पीरियड इन लोडेड कंडीशन पर हो तो ये दिए जाते हैं। अगर बात करें किसी बॉक्स एंड बैगन में अगर 3 बैगन को हम आइसोलेट कर देते हैं, उस कंडीशन में उसका BP परसेंटेज कितना होगा, इसको निकालने के लिए हम देखेंगे 60 में से 3 घटा देंगे
इसमें देखेंगे हम 60 में से 3 घटा देंगे और टोटल 60 और 100% निकालने के लिए यानी हमारा 57/6 और इनटू 100 यानी हमारा 95% निकलेंगे जो हमारा बीपी परसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि डैश हो तो रेक बीपीसी शुरू से अंत तक अमान माना जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर 24 घंटे 50 स्टेशन जहां पर हमारा एग्जामिनेशन किया गया हो वहां पर 24 घंटे से अधिक तक स्टेबल रहता है उस केस में भी हमारा बीपीसी अमान हो जाता है। सेकेंड हमारा अगर लोडेड बीपीसी 10 पर हमारा डेस्टिनेशन लिखा नहीं हुआ हो वो भी हमारा बीपीसी इनवैलिड हो जाता है। नेक्स्ट बात करें 4 वैगनों से अधिक अटैचमेंट या डिटैचमेंट के केस में हमारा बीपीसी अमान हो जाता है। इस केस में हमारा सही उत्तर ऑल आर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें एलएचबी कोच में कितने ब्रेक डिस्क लगे होते हैं, इसका सही उत्तर हमारा 8 हो जाएगा। हॉट एक्सल का क्या लक्षण है, तो इसका सही उत्तर हमारा ए बी और सी ट्रू यानी गर्म एक्सल बॉक्स, लाल एक्सल बॉक्स या ग्रीस स्पेलेसिंग होना भी हमारा हॉट एक्सल का लक्षण है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन ए बी सी आर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि एलएचबी कोच में एसीपी कहाँ से की जाते हैं, इसका सही उत्तर हमारा कोच के अंदर यानी इनसाइड द कोच इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि एलएचबी कोच में दिए गए एच टाइप लॉक सीबीसी का क्या खासियत है, तो सही उत्तर यानी हमारा एंटी क्लाइंबिंग यानी जब एक्सीडेंट होते हैं तो इस अवस्था में हमारा कोच एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। नेक्स्ट बात करें कि किसी व्हीकल में ब्रेक बाइंडिंग कैसे पहचान सकते हैं, तो अगर किसी कोच या वैगन में अगर ब्रेक बाइंडिंग हुआ हो तो वो चक्का स्कीरिंग करके चलेगा जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस वैगन या कोच में ब्रेक बाइंडिंग हो रखी है। नेक्स्ट बात करें कि लोको एवं नेक्स्ट बात करें हम लोको एवं कोच के फ्लैट टायर की अधिकतम सीमा की, तो इसका सही उत्तर हमारा 50 mm हो जाएगा। वहीं गुड्स में इसका 60 mm होते हैं और वहीं ICF और LHB की बात करें तो 45-50 mm का होता है फ्लैट टायर की मैक्सिमम लिमिट। ICF कोच में राइडिंग इंडेक्स कितना होना चाहिए, तो ये हमारा 3.5 सही उत्तर है। वहीं LHB के लिए हमारा 2.5 सही उत्तर होता है। नेक्स्ट बात करें कि इलास्टोमेरिक पैर कब ऑन उपयोगी हाइट सीमा में होती है, तो 42 mm पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं नीव का हाइट की बात करें तो हमारा 46 mm होते हैं। कैसना बोगी में डैश mm की पैकिंग का उपयोग कर हम सीवीसी ऊंचाई को समायोजित किए जा सकते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा 37 mm हो जाएगा। वहीं बात करें सेंटर पिवट कैसना बोगी डैश का बना होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा कास्ट स्टील हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करें हम कि डैश बियरिंग का उपयोग हम कैसना बोगी में करते हैं, इसका सही उत्तर हमारा CTRB यानी कार्टज टेपर रोलर बियरिंग इसका सही फुल फॉर्म होंगे। नेक्स्ट बात करें कि BTPN खाली स्थिति का पिस्टन स्ट्रोक 10 mm होता है, इसका सही उत्तर 87 ±10 mm और ये लोडेड होता तो 117 ±10 mm हो जाता। नेक्स्ट बात करें कि एक LHB कोच में डैश डंप वाल्व लगे होते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा 4 हो जाएगा। किसी फीएट बोगी में कुल कितने टैंपर लगे होते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा 9 हो जाएगा।
एंटी रोटेशन लग का साइज कितना होता है? तो इसका एंटी रोटेशन लग का साइज 210 × 16 × 16 mm होते हैं। एसी कोच में पेस्ट कंट्रोल की अवधि कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा 15 डेज होते हैं। किसी दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर आपका सबसे पहला कार्य क्या होगा? घटना स्थल का साइट का प्रोटेक्शन करना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी अगर नेक्स्ट बात करें, कैसना बोगी से फिट बॉक्सन बैगन का रख रखाव मैनुअल डैश होते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा G17 हमारा सही उत्तर हो जाएगा 70। नेक्स्ट बात करें, बायो टॉयलेट में कीटाणुनाशक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हमारा क्लोरीन हो जाएगा। ब्रेक डिस्क की मोटाई कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हमारा 110 mm होती हैं। LHB कोच में D3 रख रखाव की सारणी कितने दिनों के बाद होनी चाहिए? इसका सही उत्तर हमारा 130 ± 15 डेज होते हैं, जिसे हम 6 माह ± 15 दिन भी कहते हैं। और अगर बात करें D1 का, अगर हम बात करें तो ये हमारा प्रत्येक वीकली होता है यानी साप्ताहिक। D2 की बात करें, ये हमारा 1 महीना ± 3 दिन पर किए जाते हैं। वहीं D3 की बात करें तो हमारा 3 माह ± 15 दिन पर किए जाते हैं। यो डैम पर डैश फिट होते हैं, तो ये हमारा कोच होता है और ये हमारा ट्रॉली होता है जो फियट बोगी होती है, उसमें हमारा इस तरह से कनेक्ट होते हैं जिसे हम यो डैम पर बोलते हैं। इसका सही उत्तर हमारा अंडर फ्रेम और बोगी फ्रेम के मध्य कनेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें कि निम्न में से किस पार्ट का उपयोग हम ICF ट्रॉली में नहीं करते? इसका सही उत्तर हमारा ड्रैगर लिंक सही, जिसका पार्ट का हम प्रयोग ICF ट्रॉली में नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात करें, USD जांच में किस प्रकार की खराबी को जांचा जाता है? तो ये हमारा इंटरनल क्रैक, जिसका प्रयोग हम CTRB की अंदरूनी पार्ट्स के क्रैक को जांचने में, सेकेंड हमारा CVC के अंदरूनी पार्ट्स को जांचने में USD का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करें, VG लाइन पर 4 पहिए ट्रॉली IRS नॉन IRS में पहियों को उसी एक्सल पर ट्रेड डायमीटर की डैश विविधताओं अनुमेय हैं? इसका सही उत्तर हमारा 0.5 mm हो जाएगा। फुल सर्विस एप्लीकेशन के दौरान ब्रेक पाइप का दबाव गिरकर डैश हो जाता है? इसका सही उत्तर 1.5 kg/cm² इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें, असंवेदनशील जाँच के दौरान डैश के अंदर ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, तो 60 सेकंड के अंदर हमारा ब्रेक नहीं लगना चाहिए। डैश पोर्ट में तेल का स्तर कितना होता है? इसका स्तर 40 mm होते हैं। नेक्स्ट की बात करें कि कोच के भार को डैश द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है, तो कोच के भार को हमारा साइड बेयर के द्वारा एक स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें कि ICF बोगियों में हेलिकल स्प्रिंग का कलर कोड क्या होता है? तो इसका सही कलर कोड हमारा पहला ऑप्शन यानी येल्लो ब्लू ग्रीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें कि क्राउन क्लीयरेंस एक को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा एक्सल बॉक्स क्राउन और क्राउन बोल्ट के बीच हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें एक क्लीयरेंस की, तो हमारा टियर टन यानी नॉन एसी के लिए हमारा 43 ± 0 −3 mm होते हैं, वहीं एसी कोच के लिए हमारा 27 ± 0 −3 mm होते हैं। वहीं अगर बी क्लीयरेंस की बात यहीं पर कर ले, तो बी क्लीयरेंस कहाँ पर होता है? तो ये हमारा होता है जो हमारा ब्लस्टर लगे होते हैं ICF में और जो हमारा सोल बार होते हैं, उसके बीच जो गैप होता है उसे हम बी क्लीयरेंस के रूप में जानते हैं, जो प्रत्येक टाइप के कोच यानी ICF कोच में इसका वैल्यू हमारा ±5 mm होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर पर 99 कोड का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही अर्थ होता है पूरी तरह से प्रणाली सही कंडीशन में वर्क कर रही है। नेक्स्ट बात करें कि ब्रेक डिस्कों में के बीच डैश फिंच दिया जाता है, इसका सही उत्तर हमारा टू मिनिमाइज बेट ऑफ ब्रेक डिस्क के लिए लगाए जाते हैं।
तो इसका अगर नेक्स्ट बात करें कोचों में सीआर का चार्जिंग टाइम क्या होता है, इसका सही उत्तर हमारा 160 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें डैश में तेल को उपयोग पूर्ण रूप से निषेध है, तो हमारा सीबीसी का प्लर हेड और लॉक के बीच हम वाइल का प्रयोग बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। अगर बात करें यदि बोगी से दोनों छोर से लेटरल डैम्पर को निकाल दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होंगे, तो इसका सही उत्तर हमारा 2 यानी सेंटर पिवट में भी डिस्प्लेस यानी एक विस्थापित हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि प्राथमिक रखरखाव का डैश एक प्रकार है, इसका सही उत्तर हमारा निरोधक रखरखाव यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि एंटी रोल बार का मुख्य कार्य क्या है, यानी द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार इज, तो इसका सही उत्तर हमारा टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ कोच हमारा सही उत्तर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि प्रत्येक डैश के दौरान एंटी रोल बार का ग्रीस बदल देना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हमारा D2 यानी D2 के अंतर्गत हम प्रत्येक एंटी रोल बार ग्रीस को चेंज करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट की बात करें कि WLRRM कोच के अंदर स्लंग के कितने पानी टैंकों को लगाए गए हैं, इसका सही उत्तर हमारा चौथा ऑप्शन यानी 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा यानी 01 लगे होते हैं। नेक्स्ट की बात करें यदि सभी एक्सलों को गति बराबर हो जाए एवं आपातकालीन ब्रेक लगा दिया जाए तो डंप वाल डैश हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा कि हमारा डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगा। अगर बात करें व्हील गेज हमको क्या मापता है, तो इसका सही उत्तर हमारा यही एक ही एक्सल पर उपलब्ध दो पहियों के बीच निकले हुए किनारों की दूरी को मापता है। अगर बात करें ईयरबैग प्रणाली में कंट्रोल रिजर्वायर का क्या कार्य होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा टू कंट्रोल ब्रेक सिस्टम यानी 3rd ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें किसी लोडेड बोगी के 2 स्प्रिंग के कैम्बर में कितना अंतर होना चाहिए, इसका सही उत्तर हमारा 30 mm, इसका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें सभी कैसनब संस्करणों में खराब पहिए का व्यास कितना होता है, तो 906 mm होता है, जबकि न्यू कंडीशन में बात करें तो हमारा 1000 mm का होता है। अगर नेक्स्ट बात करें कि सकरी जौ या चौड़ी जौ एडॉप्टर क्राउन लक्स की उपयोग लायक नहीं होगी या बियर लिमिट कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हमारा 2nd ऑप्शन यानी 4 mm होते हैं। UIC बोगियों में प्राथमिक सस्पेंशन के लिए कितने बियरिंग उपयोग स्प्रिंग उपयोग किया जाता है, इसका सही उत्तर हमारा पहला ऑप्शन यानी 04 हो जाएगा। BTPN टैंक की भार क्षमता कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा 54.28 टन होते हैं। नेक्स्ट बात करें कि टैंक बैगन में मास्टर बाल्ब की हाइड्रोलिक जांच के दौरान पानी को हम 10 mm तक भरना आवश्यक होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा 150 सेंटीमीटर तक होता है यानी 2nd ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि BLC बैगन में 1 आर का टेयर वेट कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा 19.10 टन हो जाएगा सही उत्तर। BLC बैगन में कितने ऑटोमेटिक ट्विस्ट लगे होते हैं, तो हमारा 08 यानी 2nd ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि BLC बैगन में कितने प्रकार के कपलिंग का उपयोग किया जाता है, तो BLC बैगन में हमारा CBC और SLD लगे होते हैं, यानी जगह बात करें 5 टोटल 1 यूनिट होते हैं, यानी यहाँ पर एक आर, यहाँ पर एक आर और उसके बीच में हमारा बी कार लगे होते हैं, यहाँ पर हमारा CBC लगे होते हैं दोनों तरफ और उस बी कार के बीच में हमारा यानी SLD यानी सेलेक्टलेस ड्रोवार लगे होते हैं। नेक्स्ट बात करें LHB कोचों की लंबाई कितनी होती है, इसका सही उत्तर हमारा 23,540 mm उत्तर 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा और ये ICF के मुकाबले 2.2 मीटर अधिक होते हैं।
यार्ड में उपलब्ध एयर ब्रेक ट्रेन में कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक की मोटाई 10 होने पर इसको चेंज कर देते हैं। इसका सही उत्तर मान 10 mm हो जाने पर हम चेंज कर देते हैं। अगर नेक्स्ट की बात करें, दुर्घटना नियमावली के अनुसार रेलगाड़ी का अलग होना डैश के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर J5 क्लास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करें, जब C3DB को ट्विन पाइप प्रणाली से अलग कर दिया जाता है तो किस उपकरण को चार्ज नहीं किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा कंट्रोल रिजर्वायर और ब्रेक सिलेंडर दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हमारा कि कैसनर ट्रॉली के केंद्रीय धुरी को चिकना करने के लिए डैश निर्देश के लुब्रिकेंट का उपयोग करते हैं। इसका सही उत्तर हमारा IS-495 यानी पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, डैश एक प्रकार का बिटुमन टैंक वैगन का यांत्रिक कोड है। इसका सही उत्तर हमारा TBT यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि कैसनर बोगी के साइड फ्रेम की घर्षण प्लेट को किस प्रकार से स्टील का उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा सिलिको स्टील यानी थर्ड ऑप्शन हमारा सिलिको मैग्नीज स्टील हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि 91 की किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी संघ राजभाषा है और इसकी लिपि देवनागरी है? इसका सही उत्तर हमारा 343 फर्स्ट आर्टिकल 343(1) के अंतर्गत आता है। अगर ये आप सवाल के जवाब नहीं दे पाए तो इसके अलावा भी सेकेंड ऑप्शन की व्यवस्था इसमें किए गए हैं जो आप दे सकते हैं। इसमें LHB कोचों में उपलब्ध पर्दा और रेसकिन सीटें डेस्क की होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा फाइबर रिट्रेट यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर 92 की बात करें कि राजभाषा के संसदीय समिति में डैश सदस्य होते हैं तो इसका सही उत्तर हमारा 30 हो जाएगा यानी फोर्थ ऑप्शन। अगर इसका भी सवाल आप नहीं दे पाए तो इसके सेकेंड अदर में भी इसका प्रश्न दिए गए हैं जो 92 ही हैं यानी ब्रेक पैड टेपर स्थिति में खस्ती जा रही है तो उसकी उचित प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हमारा D ऑप्शन यानी इनमें से कोई नहीं है। अगर 93 की बात करें तो डैश राज्य को छोड़कर राजभाषा अधिनियम 1976 को पूरे भारत में लागू किए गए थे। इसका सही ऑप्शन हमारा तमिलनाडु हो जाएगा। अगर इस 93 में भी अदर ऑप्शन की व्यवस्था की गई कि प्रश्न की तो इसमें अब CBC हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज कितना होता है? इसका सही उत्तर हमारा बात करें तो 110 mm होता है जो हॉरिजॉन्टल गैदरिंग रेंज होते हैं। अगर बात करें 94 अंडमान निकोबार किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हमारा थर्ड ऑप्शन यानी ए रीजन के अंतर्गत आता है। अगर इसके अलावा इसमें 94 में और की व्यवस्था की गई है तो इसमें देखेंगे LHB कोचों के साइड बालों का निर्माण किसके द्वारा की जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा फेरेटिक स्टील यानी थर्ड ऑप्शन फेरेटिक स्टील SS-409M के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हमारा September 14 यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी में एक दूसरे प्रश्न की व्यवस्था की गई है 95 में कि एंकर लिंक के कार्यों में से एक है क्या कार्य होता है? तो इसका सही उत्तर हमारा टू प्रिवेंट रेशनल मोशनल ऑफ ब्लस्टर यानी सही उत्तर हमारा फर्स्ट एंड टू प्रिवेंट रेशनल मूवमेंट ऑफ ब्लस्टर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 96 की बात करें कि राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हमारा 10 मई 1963 यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट। इसके अलावा में भी एक प्रश्न की व्यवस्था की गई है जो 96 ही है यानी किस सारणी में अलार्म जेल का ओवरऑलिंग और उसकी जांच की जाती है? तो हमारा इसका सही उत्तर हमारा 20 शेड्यूल के अंतर्गत हम ओवरऑलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ अलार्म चेंज करते हैं यानी दोनों प्रश्न में से किसी एक प्रश्न को आपको प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, या तो आप इसका जवाब दे या तो इसका जवाब दे सकती हैं। 97 की बात करें तो परिपत्र एवं ज्ञापन राजभाषा अधिनियम 1963 किस खंड के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर हमारा सेक्शन 3
3 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी इसमें अलग प्रश्न की व्यवस्था की गई थी कि ब्रेक ब्लॉक के मिश्रित घर्षण गुणांक यानी एवरेज कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इज, इसका सही उत्तर हमारा 0.25 इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें भी हमारा एक अलग प्रश्न की व्यवस्था किए गए थे जिसका प्रश्न था 98 का ही, ICF कोच की तुलना में LHB कोच की लंबाई कितनी बढ़ाई गई है। इसका सही उत्तर हमारा अप्रॉक्स 2.0 मीटर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि आशुलिपिक को अधिकतम प्रोत्साहन पाने हेतु निर्धारित परीक्षा में कितना अंक लाना अनिवार्य है, तो इसका सही उत्तर हमारा 95% एंड एबव लाना अति आवश्यक है। अगर इसका भी जवाब नहीं दे पाए तो इसके अलावा सेकेंड प्रश्न की व्यवस्था इसी में किए गए हैं कि LHB कोच के का अंडर फ्रेम डैश का बना होता है, तो इसका अंडर फ्रेम हमारा माइल्ड स्टील यानी थर्ड ऑप्शन यानी माइल्ड स्टील का बना होता है। नेक्स्ट बात करें हिंदी कोर्स की ट्रेनिंग के लिए कौन योग होते हैं, तो इसका सही उत्तर हमारा सेकेंड ऑप्शन यानी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी जो थर्ड श्रेणी या उसके ऊपर हो उसको हिंदी कोर्स की ट्रेनिंग के लिए योग होते हैं। वहीं इसके अलावा में भी एक प्रश्न दिया गया था जो 100 था यानी CDTS से क्या समझते हैं, तो इसका सही फुल फॉर्म हमारा कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम यानी सेकेंड ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।